लोक निर्माण विभाग उपमंडल स्वारघाट के तहत बहल टोबा नैना देवी संपर्क सड़क पर पंजाब हिमाचल की सीमा पर चिकनी खड्ड पर बना पुल बरसात में भारी बारिश के दौरान बह गया था, जिसे विभाग द्वारा अभी तक बनाया नहीं गया है, जिसके चलते तीन पंचायतों बहल कोंडावाला धरोट की जनता के साथ साथ पंजाब की कई पंचायतों के लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भारी बारिश के कारण बहल की चिकनी खड्ड पर बना पुल बह गया था, जिसके चलते जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बीमार लोगों, स्कूली बच्चों और वाहनों में सफर करने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि उपरोक्त पुल के बहने के बाद लोनीवी द्वारा मिट्टी व पत्थर भरकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस पुल से गुजरना काफी जोखिम भरा है और लोगों को हिचकोले खाते हुए वाहनों में सफर करना पड़ रहा है। बता दें कि उक्त पुल से होकर औद्योगिक क्षेत्र गवालथाई भाखड़ा और नैना देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं व लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। बलुंडी रोड पे हमारे चिकनी खड्ड पे पिछले बरसात में जो भारी बारिश हुई थी उसमें हमारा एक ब्रिज था वो बह गया था। अब उसका ब्रिज का टेंडर लग गया है, अवार्ड ठेकेदार को कर दिया गया है और जल्दी ही उसका काम शुरू करके लोगों को जो सुविधाएं वो प्रदान कर दी जाएंगी। सड़क सुविधाएं जो है बहाल कर दी जाएंगी। वहाँ से टेम्परेरी हमने बहाल की हुई थी, लेकिन अब पुल का सारा जो था अवार्ड कर करके उसको बना करके लोगों को जितना जल्दी हो सकता है पुल की सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। गाँव लखाड़ा डागर बहल का स्थानीय निवासी हूँ। सर, जो ये पुल है चिकनी खड्ड का, ये लगभग 3 साल से इसकी यही स्थिति चली हुई है कि ये हर बार बरसात के समय ढह जाता है और इसके अस्थाई रूप में इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं होता। हम चाहते हैं कि इसका एक स्थाई समाधान हो जाए, जिससे चाहे पंजाब के, चाहे हिमाचल के, चाहे बाहर के कई लोग भी आते हैं, उनके सभी के लिए इसका समाधान हो। क्योंकि यहाँ पे बैंक भी है और PSC भी है और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है, डाकघर भी है और स्कूल भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये लिंक जो रोड है टोबा के लिए भी जाता है और उधर हमारा जो धार्मिक स्थल पंजाब का आनंदपुर साहिब है वहाँ के लिए और नालागढ़ के लिए भी रास्ता जाता है और जितने भी बसों के रूट है वो सारे बंद हो जाते हैं। इवन हमारे जो गांव लखाड़ा से होते हुए स्वारगढ़ के लिए शाम को बस जाती है, सुबह आती है, वो भी बस बंद हो जाती है, क्योंकि लखाड़ा गांव एक ऐसा है जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो मेरा अनुरोध यही है सरकार से कि इस पुल का निर्माण जितनी जल्दी हो और स्थायी रूप में इसका समाधान होना चाहिए, ताकि बरसात की समस्या से फिर बार बार निजात मिल जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए स्वारघाट से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त? 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील। कभी भी कहीं भी बुक योर सर्विस नाउ।